हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कमाई का राज। फ्रेंड्स, अगर आप यूरोप आने का सपना देख रहे हैं, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, तो भी आप यूरोप आ सकते हैं, क्योंकि ये एक नया तरीका है। बहुत लोग अपना रहे हैं और आ रहे हैं, अच्छा भर भर के पैसे कमा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको फुल गाइड करूंगा यूरोप पहुंचने तक, और फुल डिटेल में एकदम जेन्युइन, कोई इसमें नहीं है, रिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं, आप एकदम जेन्युइन तरीके से आप आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो है, अभी ध्यान से समझिएगा, डॉक्यूमेंट्स जो है फ्रेंड्स, आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके बाद में आप एक ट्रैवल्स इंश्योरेंस सस्ता सा निकाल लीजिए। दो चीज आपके पास हो गई। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो है एक जो है मैक्रोनेशिया की जो है गूगल खोलिए, और मैक्रोनेशिया की जो है कोई भी होटल एक सस्ती सी बुकिंग कर लीजिए गूगल पर जाकर। मैक्रोनेशिया के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। मैक्रोनेशिया एक यूरोप कंट्री है, यूरोप के अंडर आती, मतलब अमेरिका के एक टेरिटरी है, और यहां पर 4 आइलैंड है। यहां की जो है 1 करोड़ समथिंग आबादी है। यहां पर यूएस डॉलर चलता है। यहां की राष्ट्रभाषा इंग्लिश है, बट यहां पर मल्टीपल लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि एक टूरिज्म प्लेस है। अब फ्रेंड्स, यहां पर जो है आने के लिए भी, और मैं आपको बताऊंगा कैसे पूरे जो है यूरोप में आप घूम सकते हैं, क्या तरीका है, सब कुछ बताऊंगा, जेन्युइन तरीका। अब फ्रेंड्स, आपके पास जो है पासपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस ट्रैवल्स हो गया, ट्रैवल्स इंश्योरेंस, और उसके बाद में आपके पास होटल बुकिंग हो गई। अब फ्रेंड्स, एक मैक्रोनेशिया की एक फ्लाइट सर्च करना है, और एक टिकट बुक कर लेना है, रिटर्न टिकट। यहाँ रिटर्न टिकट जो है, एक डमी टिकट भी बना सकते हो, जाने वाला एक टिकट ले सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी, जिस तरीके से आपके पैसा हो, बाद में रिटर्न टिकट आप कैंसिल भी कर सकते हैं पहुंचने के बाद में। अच्छा, ये 4 चीज हो गई। अब आप सीधा फ्लाइट पकड़िए, जो है एयरपोर्ट जाइए, फ्लाइट पकड़िए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, फ्लाइट पकड़िए और जो है मैक्रोनेशिया पहुंच जाइए। अच्छा, यहां पर आपको जो है एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप यहां पर मैक्रोनेशिया आएंगे फ्रेंड्स, यहां पर जो है आपके अकाउंट में तकरीबन जो है $600 के हिसाब से $1800 समथिंग, 1.5 लाख रुपए इंडियन रुपीस में आप जो है कन्वर्ट कर ले करेंसी के हिसाब से, जो है इतने होने चाहिए। ये सिर्फ एक दिन के लिए मात्र है, क्योंकि कभी अगर इंडियन एयरपोर्ट पे या फिर जो है मैक्रोनेशिया की एयरपोर्ट पर आपको पूछ सकते हैं आपसे कि जो है आपके अकाउंट शो योर अकाउंट बैलेंस, वरना जो है पूछते नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं आपको जो है किसी चीज की रुकावट हो, तो इसलिए ये आप एक दिन के लिए डाल लीजिए, ठीक है। अब जब मैक्रोनेशिया एयरपोर्ट पर आएंगे, तो आपको फ्रेंड्स, अगर आप बांग्लादेश से देख रहे हैं वीडियो, या फिर नेपाल या पाकिस्तान से, तो इन सब कंट्रियों के लिए, अगर दुबई सऊदी से भी आना चाहे, सब कंट्रियों के लिए ऑन अराइवल वीजा अवेलेबल है। आप वहां पर आएंगे तो 100% आपको वीजा ऑन अराइवल जो है 3 महीने का वीजा मिल जाएगा, कोई रोकथाम नहीं है, सिर्फ आपको बैलेंस दिखाना है अगर पूछे तो। अब 3 महीने का आपका वीजा हो गया, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, आपको क्या करना है, होटल जाइए, होटल में रुकिए जहां का आपने बुकिंग किया है। उसके बाद में आप दूसरा दिन आप होटल से बाहर निकलिए, वहां पर हिंदी बोलने वाले और बहुत सारे देश के लोग हैं। अच्छा, वहां पर कोई भी कंपनी आप ढूंढिए, आप अपने लिए जॉब तलाश करिए। जॉब जो है आपको फ्रेंड यहां पर जो है मिल जाती है इजीली, और जो है टूरिस्ट वीजा पर आप जॉब कर सकते हैं, यहां पर कोई रोक टोक नहीं है फ्रेंड्स। ये बहुत लोग तरीका अपना रहे हैं और आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा फ्रेंड्स, अब जो है आपके पास जो है जॉब ढूंढिए, कहीं पर जो है मिल जाए, तो वहां पर जो किसी कंपनी में लगेंगे, लगने के बाद में उनसे आप जो है जॉब ऑफर लेटर मांगिए। अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल रहा है, तो उसके बिहाव पर आप जो है वर्क परमिट में आपका वीजा बदली हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा तरीका है, अगर आपको जॉब मिल गई, लेकिन अगर आपको जॉब ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है, तो आपके पास $35 होने चाहिए, जिससे आप एक जो है, मतलब जब आपको महीने 15 दिन हो जाएंगे, तो आपको जो है जानकारी हो जाएगी, यहां पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपके यार दोस्त बन जाएंगे, तो $35 में आपको यहां पर लाइसेंस मिल जाता है यहां बिजनेस करने के लिए। अब बिजनेस में फ्रेंड्स, आप छोटी मोटी कोई भी चीज कर सकते हैं, जैसे इंडिया में छोटे मोटे बहुत सारे होते हैं काम, जो है कि मतलब 50,000
30,000 में हो जाते हैं, इस तरीके के यहाँ पर भी बिजनेस छोटे मोटे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म है, यहाँ पर आइलैंड है, तो यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, तो इजीली हो जाता है। वैसे तो आपको जो है वर्क जो है ऑफर लेटर इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं मिला तो आपके पास दूसरा रास्ता है, $35 खर्चा करिए, आपके पास में लाइसेंस मिल जाएगा, फिर उसके बिहाफ पर आप जो है यहाँ पर रुक सकते हैं। अब यहाँ पर रुकने के बाद में आप अगर बिजनेस कोई कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, दोनों तरीके में आप यहाँ पर रुकेंगे, और यहाँ पर आपको स्पेंड करना है तकरीबन 4 साल। 4 साल फ्रेंड्स आप जाइए घर पे, ऐसा नहीं है कि रेगुलर करना है, आप जा सकते हैं और फिर आ सकते हैं, क्योंकि आपका वर्क परमिट जो है बन गया है, क्योंकि टूरिज्म वीजा आपका खत्म हो जाएगा, आपका वर्क परमिट हो जाएगा या फिर बिजनेस वीजा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। आपने जो मेथड अपना जो है अप्लाई किया है उसमें आपका जो है दोनों में ये चीज हो जाएगी। अच्छा, तीसरा एक शादी वाला भी है, लेकिन वो मैं मेथड आपको नहीं बता रहा हूं, ये जो है इजीली हो जाता है यहां पर। अच्छा, अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 4 साल स्पेंड करना, उसके बाद में आप जो है यहां का ग्रीन पासपोर्ट, यहां की नेशनलिटी के लिए आपको अप्लाई कर देना है। 4 साल पूरे होने के बाद में आपको इजीली यहां का जो है नेशनलिटी मिल जाती है, ग्रीन पास आपका यहां का पासपोर्ट मिल जाता है। जब यहां का पासपोर्ट मिल जाएगा उसके बाद में फ्रेंड्स आप 146 कंट्री यूरोप में कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी जॉब करिए, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं, क्योंकि यहां का पासपोर्ट बहुत ही पावरफुल है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है विदेश आने के लिए, इसमें कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं है। अब फ्रेंड्स अगर आपके पास 10-12 लाख रुपए हैं तो आप एजेंट से भर के आ सकते हैं, या फिर ये तरीका आप अपना सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। और अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहां पर अगर कुछ ऐसा नहीं तो भी आप आ सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन था फ्रेंड्स आपके लिए, मैं लेके आया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को और दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।